नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आरके टूल चैनल। दोस्तों, इस फ़ोटो में जो आपको तस्वीरें दिख रही है, इस फ़ोटो को आप पहचानते होंगे। शायद अगर नहीं पहचानते हैं तो गूगल में सर्च मारिएगा, धनुष लिखिएगा, धनुष, और सर्च कीजिएगा तो सारा डिटेल आपके पास आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम धनुष है और ये जो साथ में खड़ी हैं इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी है, इनका नाम है ऐश्वर्या रजनीकांत। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है ऐश्वर्या रजनीकांत, जो हमारे सुपरस्टार अभिनेता हैं रजनीकांत जी, उनकी ये बेटी हैं। और ये धनुष जी की पत्नी हैं और आज धनुष जी का जन्मदिन है, 28 जुलाई को। मैं उनको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। और यदि आपको भी मुबारकबाद देना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे जाइए और वहाँ पे कमेंट करके अपना विचार रख सकते हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, इनका नाम वैसे धनुष कहते हैं, लेकिन इनका नाम वेंकटेश प्रभु, इनका नाम वेंकटेश प्रभु है। ये रांझाड़ा के कुंदन है। जी हाँ, वही कुंदन जो जोया के प्यार में इतना दीवाना था कि अपनी हथेली को बार बार काट लेता था। जी हाँ दोस्तों, ये वही कुंदन है जो जोया के प्यार में 15 चांटे जो है खा चुके हैं और स्वाद चख लेता है, वही कुंदन है। साउथ के सुपरस्टार धनुष का जन्म जो है आज 28 जुलाई को जन्मदिन है। धनुष साउथ इंडिया सिनेमा के सुपरस्टारों में से एक हैं। आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी और आप सब कुछ समझ जाएंगे कि ये कौन हैं। शायद यदि आप नहीं जानते हैं तो आप सर्च ज़रूर कीजिएगा। और मैं तो इनकी सारी पिक्चरें देखता हूँ, यदि आप भी देखना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा धनुष या फिर वेंकटेश प्रभु, आप सर्च कीजिएगा और सारी मूवी की लिस्ट जो है आ जाएगी और आप उसको देख सकते हैं और देख करके आनंद मज़ा ले सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया हूँ कि आप अपना विचार प्रकट कर सकें कमेंट बॉक्स में जाके। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई और भी वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले आपको। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे जो है ताज़ा अपडेट जो भी कुछ होता है, चाहे वो डीटीएच के मामले से हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं अपडेट करते रहता हूँ और आपको ये खबर देता रहता हूँ, ताकि आप सारे खबरों से रूबरू रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए आरके टूल। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।